गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज 7.7। और एक्सरसाइज 7.7 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है थ्री। क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या आती है कि ये हमारे पास दे रखा है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। बताना चाहेंगे कि ये सब चीज़ें पहले हम बता चुके हैं वीडियो में। ठीक है, और फार्मूला भी बताए थे कि तीन फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसी में ही अब हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर रूट बनाना पड़ेगा। रूट कैसे बनाएंगे, वर्ग बनाना पड़ेगा, होल वर्ग। तो इसको होल वर्ग बना लिया जाए तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 4। ठीक है, प्लस का 6 माइनस का 4, क्योंकि अगर देख लिया जाए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। पूरी बात समझ आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हम लोग क्या ले सकते हैं, अंडर रूट ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, मतलब एक्स प्लस 2 का होल वर्ग ये बन जाएगा। और प्लस में यहाँ से अगर वैल्यू अगर निकाल ली जाए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एक बार फिर से समझें, यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है, इसका होल स्क्वायर बनना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 से गुणा, 2 से यहाँ पे फिर जो है 2 जा 4 हो जाएगा। और प्लस का 4, प्लस का 4 ये वाला 4, ठीक है, प्लस का 4 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर देख लिया जाए, ये हमारे पास हो गया प्लस का 6 और माइनस का 4, ये वैल्यू कितनी देगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देख लें यहाँ से क्या वैल्यू करनी पड़ेगी। देखें, ये हो गया अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल वर्ग प्लस रूट 2 का होल वर्ग। तो ये फार्मूला बता सकते हो कौन सा इंप्लीमेंट हो रहा है, ये फार्मूला हो रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये तो फार्मूला हो रहा है। इसका क्या होता है, ये होता है x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये बनेगा और बनेगा यहाँ पे प्लस, प्लस वैल्यू देखी जाए तो हो जाएगी ए स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट, ये हो जाएगा यहाँ से अगर देख लिया जाए, ये हो जाएगा लॉग, ये बनेगा सिचुएशन कौन सी, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई इक्वल टू पाएंगे एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एक्स प्लस 2 बाई 2 अंडर रूट, ये यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर मतलब कितना हुआ, देखो रूट टू का वर्ग बाई 2 लॉग एक्स। ठीक है, और एक्स का मतलब यही वाला पूरा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ये एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी और प्लस सी। ठीक है, प्लस 6 प्लस सी, तो ये चीज़ हमारे पास निकल के आएगी। एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं फिर बताते हैं चीज़ें क्या बन रही हैं। ठीक है, आंसर जो आपका बन रहा है वो निकल के आ रहा है एक्स, मतलब ये दे रखा है कि x प्लस 2 बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, प्लस उसके बाद में है कि यहाँ पे लॉग x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी। एक बार देखो, इसको हम लोग कैंसिल नहीं किया, इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो वही आंसर बन जाएगा हमारे पास, क्लियर रहेगा। तो सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ फार्मूला यहाँ पे काम में करना है, सिर्फ फार्मूला ध्यान में रखना है और होल स्क्वायर बनाना आना चाहिए। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस फार्मूला और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इस बार गारंटी है।
मतलब होल स्क्वायर चाहिए, साथ में फार्मूला चाहिए, फिर से समझे, होल स्क्वायर चाहिए साथ में फार्मूला चाहिए, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन हो जाएगा, श्योरली आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्लियर रहेगा। चले क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें। 4 दे रखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये दे रखा है क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखें, ये बनेगा आई इक्वल टू अंडर रूट होल स्क्वायर, इसको बनाना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 2x + 4, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस 1 − 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, यही तो बनेगा, 2 × 2 = 4, ठीक है, प्लस 1, तो आई इक्वल टू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल वर्ग माइनस रूट 3 का होल वर्ग, बोलो यही तो बात निकल के आएगी, बताओ कोई डाउट तो नहीं है इसमें, इसका मतलब क्या हुआ, आई इक्वल टू ये हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी, ये आई सिचुएशन देखें, ये फार्मूला किसका इम्प्लीमेंट करवाएंगे इसमें, ये फार्मूला बन रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस है, ये ध्यान रखें, ये माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, माइनस ये बनेगा ए स्क्वायर बाई टू अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा ए, मतलब अंडर रूट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा एक्स, मतलब लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये फार्मूला आपका होगा, तो इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ देखें, एक्स प्लस टू बाई टू अंडर रूट, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 1 माइनस ए बाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3/2, डायरेक्ट लिख दे रहे, लॉग एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 1, ठीक है, तो सिचुएशन ये निकल के आएगी। एक बार यहाँ पे फिर से मैच कर देते हैं, ठीक है, तो आपको फिर से बता देते हैं सिचुएशन क्या बन रही है, ठीक है, बेहतर रूप से आप चीज़ों को समझ जाएंगे। दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे सिचुएशन देख लें क्या बन रही है, ये यहाँ पे एक बात समझें थोड़ा, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, ठीक है, तो एक्स प्लस टू बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3/2 लॉग एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 1, ठीक है, प्लस सी, तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, दे रखा है अंडर रूट 1 − 4x − x²। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं, कुछ नहीं करना, होल वर्क बनाना है,
तो अंडर रूट इसको क्या ले सकते हैं, वन माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो। अंडर रूट वन माइनस इसको क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू टू एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू टू एक्स प्लस का फोर। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे घटेगा, देखो माइनस है घटेगा, तो इसका मतलब प्लस का फोर यहाँ पे कर दें, तो वैल्यू जो बन के आएगी अंडर रूट फाइव माइनस, ये फार्मूला किसका, एक्स प्लस टू का होल वर्ग, यही जो बनेगा, तो अंडर रूट रूट फाइव का होल वर्ग माइनस एक्स प्लस टू का होल वर्ग, यही तो बात बनेगी। फार्मूला देख लें कौन सा इम्प्लीमेंट करेंगे, फार्मूला ये I इक्वल टू फार्मूला निकल के आ रहा है कौन सा, एक्स ए स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है इसका, इसका फार्मूला बनेगा a यहाँ पे हो जाएगा x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है, और अंडर रूट यहाँ पे अंडर रूट नहीं होगा, यहाँ पे होगा साइन वाला, साइन इनवर्स एक्स अपान ए, ठीक है, प्लस सी, यहाँ पे ये फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्स प्लस टू बाई टू अंडर रूट, ये फार्मूला किसका, वन माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए मतलब फाइव बाई टू साइन इनवर्स एक्स एक्स प्लस टू बाई टू मतलब रूट फाइव बनेगा, ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा सी, तो आंसर इज एक्स प्लस टू बाई टू अंडर रूट वन माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बाई टू साइन वर्स एक्स प्लस टू बाई रूट फाइव और प्लस का सी, ठीक है। एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं जिससे चीज़ें आपको देख लेते हैं कैसे बन रही हैं। तो आंसर जो बन रहा है आपका एक्स प्लस टू बाई टू अंडर रूट वन माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बाई टू साइन वर्स एक्स प्लस टू रूट फाइव प्लस सी, ठीक है। तो आप लोग बेहतर रूप से समझ रहे होंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यदि कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पहुँचें, कमेंट करें तो आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन पहुँचें, कमेंट करें तो उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स दे रखा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, यही तो दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। हमको एक बात समझ में आ रही है, क्या काम वही करना है, ठीक है, क्या करना है, वर्ग, इसका पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू टू एक्स, ठीक है, प्लस फोर और माइनस फाइव प्लस माइनस फोर, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने, कोई डाउट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू टू एक्स प्लस फोर माइनस फोर कैंसिल आउट माइनस फाइव, यही तो बचेगा, ठीक है। तो अंडर रूट फार्मूला किसका, ये फार्मूला बन गया एक्स प्लस टू का होल वर्ग माइनस थ्री का होल वर्ग, यही तो बनेगा भाई, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आएगी। डायरेक्ट फार्मूला इम्प्लीमेंट कर देते हैं, कौन सा देख लेते हैं, फार्मूला बनेगा आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर का बनेगा, ठीक है, एक्स प्लस टू बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, ठीक है,
और यहाँ पे जाएगा माइनस का, माइनस का यहाँ पे जाएगा ए स्क्वायर, मतलब थ्री मतलब 9/2, ये हो जाएगा 9/2, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ने माइनस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5 प्लस का c। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक बार आंसर मैच कर लें, फिर बता देते हैं कैसे सिचुएशन को बना रहे हैं, ठीक है। आंसर ये बनना है x प्लस 2/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 9/2 लॉग x प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, मतलब ये है हमारे पास ये यहाँ पे प्लस प्लस की सिचुएशन बन रही है, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो आप जो है कंफर्मेशन कर लें क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, और यदि किसी को डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पहुँचे, कमेंट करें तो आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।